वो विषय है केवल माझ्या नावाचा जयकार करण्यापेक्षा माझे अपूर्ण राहिलेले कार्य पूर्ण करा व त्यासाठी प्राणाची बाजी लावा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 17 अगस्त 1952 को सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई में ये बात उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ही उसको विषय बनाया गया. दूसरा विषय है आज पेशवाईच्या पुनरुज्जीवनाचे एकमेव कारण म्हणजे ईव्हीएम मशीन द्वारे निवडणुका घेणे हो एक आपली चर्चा. तेव्हा साथियों सबसे पहले मैं आप लोगों को इस बात के लिए खास तौर पर बौद्ध जन उत्कर्ष विकास मंडल के कार्यकर्ताओं को बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्यक्रम करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया और एकता का परिचय दिया तो ये आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी काम है. और ये जो काम है करने के लिए ही हमने बहुजन क्रांति मोर्चा का निर्माण किया. आप लोगों को याद होगा 2016 में हम लोगों ने कई कई लाख लोगों के मोर्चे बहुजन क्रांति मोर्चा के नाम पर किए और नगर जिले में पहला मोर्चा हमने निकाला था. उसमें 63 संगठन इकट्ठा किए गए. शेड्यूल कास्ट के संगठन थे, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के संगठन थे, वेस्टर्न बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के संगठन थे, आदिवासियों के संगठन थे, नॉमेडिक ट्राइब के संगठन थे, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के संगठन थे और माइनॉरिटी के मुसलमानों के क्रिश्चनों के सिखों के बुद्धिस्ट लोगों के संगठन थे और लिंगायत धर्म के लोगों के संगठन थे. ऐसे सभी संगठनों को मिलकर हमने इकट्ठा होकर ये कार्यक्रम वहां किया. आखिरी कार्यक्रम जब हमने कोल्हापुर में किया था तो 183 संगठन हमने इकट्ठा किए. मैं सारे देश भर में ये प्रयास में लगा हुआ हूं कि केवल लोगों को इकट्ठा करने से काम शायद नहीं होगा. केवल लोगों को इकट्ठा करके काम नहीं होगा पूरा जो हम या हमारे महापुरुष या बाबा साहब आंबेडकर करना चाहते थे. तो हमें जो छोटे छोटे संगठन है, गली मोहल्ले के संगठन है, अलग अलग जातियों के संगठन है, 6,000 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने हमें बांटा. वो 6,000 जाति के टुकड़ों में जिन लोगों ने हमें बांटा तो ये जो बांटने वाले लोग हैं उन्होंने हमारे टुकड़े किए. स्वाभाविक है जब हम लोग जाति में विभाजित रहते हैं, संगठनाओं में विभाजित रहते हैं तो हमारे दुश्मनों की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. अन्याय और अत्याचार करने वाले लोगों की ताकत बढ़ जाती है.
तो इसलिए हमें केवल लोगों को ही संगठित करने से काम नहीं चलेगा, संगठनाओं को भी इकट्ठा करने का काम करना होगा। ये संगठन के लोगों ने इस इलाके में बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ मिलकर ये जो कार्यक्रम आज यहां किया, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां इकट्ठा हुए। आप लोगों ने मुझे यहां आमंत्रित किया, तो मुझे शंका थी कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, मगर आप लोगों ने ये बात करके दिखाया तो आप प्रशंसा के हकदार हैं। मैं कल बिहार पटना में था और पटना में 5 लाख लोगों का गांधी मैदान में बड़ा कार्यक्रम था। कम से कम 5 लाख लोग थे, जितने मैदान में थे उससे बाहर और ज्यादा बहुत ज्यादा थे। तो वहां पर मुस्लिम लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, ओबीसी के लोग, क्रिश्चनों के लोग, सिखों के लोग, सारे लोगों को हमने इकट्ठा करने का प्रयास किया था। मुस्लिम लोगों ने भी इमारत शरिया नाम का जो उनका संगठन है, वहीद इमामी साहब का, उन्होंने मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित किया था। हम लोगों ने मिलकर कार्यक्रम आयोजित किया था। 5 लाख से ज्यादा लोग उपस्थित थे। तो जितना मेरे लिए 5 लाख लोग महत्वपूर्ण है, आज हम लोग इकट्ठा आकर प्रयास कर रहे हैं, चाहे छोटे लेवल पर क्यों ना हो, तो ये मेरे लिए 5 लाख से कम नहीं है या संख्या कम हो। एकता की बहुत ज्यादा ताकत होती है, एकता की बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो हमारी कोशिश एकता पैदा करनी है। बहुजन क्रांति मोर्चा कोई संगठन नहीं है, ये संगठनाओं को इकट्ठा करने का प्लेटफॉर्म है। 2018 में हम सारे देश भर में बहुजन क्रांति मोर्चा के 100 कमिश्नरियों में 100 बड़े कार्यक्रम करने वाले हैं। ये जो 100 बड़े कार्यक्रम करने वाले हैं, ये 100 कार्यक्रम जिसमें एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के तमाम संगठन शामिल होंगे, और एक जिले में कम से कम 100 संगठन इकट्ठा करने का हमारा संकल्प है। छोटे छोटे, मध्यम, बड़े, 100 संगठन इकट्ठा करने का एक जिले। तो जो बामसेप संगठन है, भारत मुक्ति मोर्चा का संगठन है, 539 जिलों में और 31 राज्यों में 3,500 तहसीलों में, 22,000 ब्लॉक में और 1,50,000 गांव कार्यरत संगठन। ये कोई गली मोहल्ले का संगठन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विशाल संगठन है। जैसा बाबा साहब अम्बेडकर सारे देश भर में लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे थे, और 18, 19, 20 जुलाई 1942 को नागपुर में उन्होंने ऐसा करके दिखाया था, और उन्होंने ये कहा भी था कि अगर आपको इस कारवां को आगे बढ़ाना संभव नहीं है तो इसे पीछे मत जाने देना। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये कारवां जैसे बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि पीछे नहीं जाना चाहिए, तो हमने अभी 31 राज्यों में, 539 जिलों में,
और 3,500 तहसीलों में, 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गांव तक इसको फैलाया। ये आंदोलन पीछे जाने का तो सवाल नहीं है, ये बहुत आगे जा रहा है। पिछले साल हमने सारे देश भर से 17 करोड़ रुपया इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठा किया और 17 करोड़ रुपया खर्चा किया। अभी आपने देखा होगा कि बौद्ध जन उत्कर्ष मंडल के लोगों ने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 50,000 रुपये दिए और जो बामसेब के लोग हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, उन लोगों ने 1.5 लाख रुपये। तो पैसे की कोई खास कमी है नहीं आंदोलन के लिए, अगर आंदोलन को चलाने वाले लोग ईमानदार हैं। ईमानदारी की बहुत जरूरत है तो आंदोलन को चलाया जा सकता है। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को दोबारा धन्यवाद देते हुए मैं विषय वस्तु पर कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे नाम का जय जयकार करने से ज्यादा मैंने जिस काम को पूरा करने के लिए जिंदगी लगाई, उस काम को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगाओ। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, तो बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के मौके पर हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि क्या वास्तव में हम बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या ईमानदारी से ऐसी कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे लोग हैं वो इस दिशा में प्रयास नहीं कर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्मदिन होता है, वो जन्मदिन करने वाले कुछ लोग होते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, बीजेपी से पैसा लेते हैं, कांग्रेस से पैसा लेते हैं, आरएसएस से भी लेते हैं, अपने दुश्मनों से पैसा लेते हैं और जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते रहते हैं और दिन भर नाचते गाते हैं और फिर दिन भर नाचते गाने के बाद थक जाते हैं। तो थकने के बाद रात में थोड़ा आराम करने के लिए थोड़ा सा ले लेते हैं और दो दोस्त जब लेते हैं तो दोनों लोग जय भीम बोल कर लेते हैं। तो ये जो हम लोग करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से आपके साथ अन्याय हो रहा है, वो इसी की वजह से हो रहा है। आप लोग कहते हो नेता लोग जिम्मेदार हैं, बात सही है, मगर नेताओं से ज्यादा आप लोग जिम्मेदार हैं। आप लोग कहते नेता जिम्मेदार हैं, मगर जो बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के नाम पर आप करते हो तो आप इसमें कम जिम्मेदार नहीं हो। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए हमारे लोग हर साल 35 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, 35 करोड़ रुपया। अगर ये पैसा आंदोलन चलाने के लिए, आंदोलन खड़ा करने के लिए खर्चा कर दिया जाए तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं कि जो लोग हमारे साथ अन्याय अत्याचार करते हैं उनके साथ मुकाबला करने के लिए हमारे पास संगठित शक्ति होगी। क्योंकि दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए केवल भाषणबाजी करने से काम नहीं होगा, या बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने से ये काम पूरा नहीं होगा।
बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए जब लोग बाबा साहब अंबेडकर को मिलने के लिए गए थे, बाबा साहब अंबेडकर सिद्धार्थ कॉलेज में बैठे थे और बाबा साहब अंबेडकर जीवित थे और लोग उनको कह रहे थे कि आपके जन्मदिन में आप ही भाषण करने के लिए आऊंगा। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा। लोगों ने बहुत आग्रह किया कि नहीं, आपको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो बाबा साहब ने, अंबेडकर ने उनको कहा कि मेरी एक शर्त है। क्या क्या शर्त है? कि एक बार आऊंगा, दोबारा जिंदगी में नहीं आऊंगा। तो लोगों ने सोचा अभी मौका है तो हाँ कर देना चाहिए, बाद में फिर दोबारा जाएंगे, अगले साल फिर दोबारा जाएंगे। तो उन्होंने माना। तो बाबा साहब अंबेडकर ने वहां जाकर उनको यही बात कही, ये बात समझाई कि आप मेरा जन्मदिन मना रहे हो, जय जयकार कर रहे हो, तो जय जयकार से क्या होगा? जय जयकार करोगे एक दिन और दूसरे दिन से फिर साल भर आराम करोगे, तो इससे क्या होगा? हमारी किसी समस्या का समाधान तो नहीं होगा। आप मुझे अपना गुरु मानते हो तो मेरा जन्मदिन मना रहे हो, मेरे गुरु ज्योतिराम फुले हैं, मेरे गुरु कबीर हैं, मेरे गुरु बुद्ध हैं, मैंने कभी उनका जन्मदिन नहीं मनाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने लोगों को कहा, आप मुझे गुरु मानते हो, मैं इन लोगों को गुरु मानता हूँ, बुद्ध को, फुले को, कबीर को, मगर मैंने इनका कभी जन्मदिन नहीं मनाया। क्यों? क्योंकि मैं उनका अधूरा जो कार्य है वो पूरा करने के लिए काम कर रहा हूँ, तो जन्मदिन मनाने की जरूरत ही नहीं। मैं डेली जन्मदिन मना रहा हूँ क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य पूरा करने के लिए मैं डेली काम कर रहा हूँ, तो मुझे जन्मदिन मनाने की जरूरत नहीं। मैं जिनको महापुरुष मानता हूँ मैं उनका डेली जय जयकार कर रहा हूँ, उनके काम को पूरा करने का काम करूंगा, तब उनका काम पूरा होगा। जब उनका काम पूरा होगा तो महापुरुष का जय जयकार होगा, काम पूरा नहीं होगा तो जय जयकार कैसे होगा? हम लोग जय जयकार करते रहेंगे, महापुरुषों का काम पूरा नहीं होगा, नहीं होगा तो महापुरुषों का जय जयकार नहीं होगा, मुर्दाबाद होगा। हम यही करते हैं। तो ये करने से हमारा काम होने वाला नहीं है और हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जिस लक्ष्य को, जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते थे, वो लक्ष्य वो उद्देश्य क्या था, वो लक्ष्य वो उद्देश्य क्या था, उसको मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं, जिसके लिए वो जिंदगी लगाने के लिए आपको कह रहे। 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद देश में चुनाव 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ। और जब चुनाव हुआ तो क्या हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर इस चुनाव में प्रचार करने के लिए पंजाब में गए, तो पटियाला में उन्होंने भाषण दिया और भाषण में उन्होंने कहा कि आज हम आजाद भारत में गुलाम हैं, हम लोग आज आजाद भारत में गुलाम हैं, ये गुलामी हमारी वजह से नहीं है बल्कि हमारे दुश्मनों की वजह से उन्होंने हमारे ऊपर गुलामी थोपी है और आज हम आजाद भारत में गुलाम बना दिए। आप लोगों को मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि यदि मैंने आपको कहा कि हम आजाद भारत में गुलाम बना दिए गए हैं तो शायद आप लोगों को मंजूर नहीं होगा, आप लोगों को लगेगा कि शायद मैं गलत बोल रहा हूं। मगर बाबा साहब अंबेडकर ने खुद ही
1952 को जब वो पंजाब के पटियाला शहर में जाकर भाषण दिया, लाखों लोगों की भीड़ के सामने उन्होंने कहा, ये भाषण को स्पॉन्टेनियस भाषण नहीं था, लिखित भाषण। तो आदमी जब लिखित भाषण करता है तो बहुत सोच समझ कर बोलता है। तो एक लिखित भाषण में उन्होंने कहा, और आजादी ब्राह्मण लोग कहते हैं 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, तो ये जो आजादी मिली है ऐसा वो कहते हैं, प्रचार करते हैं, तो वो बात ध्यान में रखते हुए आपको बता रहा हूं कि 47, 48, 49, 50, 51 और 52 5 साल के से ज्यादा समय हुआ आजादी मिलने के बाद, तो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे कि आजाद भारत में हमें गुलाम बना दिया गया। और मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, लिखित रूप से कहा। और अगर आजाद भारत में हम लोगों को गुलाम बना दिया गया है तो गुलामी हमारी सबसे बड़ी समस्या है। उस बात को समझना होगा कि यह गुलामी आज कितनी मजबूत हुई है। जब 1952 को लोकसभा का चुनाव हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटे दी और 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। और आजाद भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। जब आजादी का आंदोलन गांधी और नेहरू चला रहे थे तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, प्रस्ताव पारित किया और कहा कि आजादी मिलने के बाद भारत के सभी लोगों को आजादी दिलाई जाएगी, आजादी में भागीदारी की जाएगी, भागीदारी दी जाएगी। मगर जब भागीदारी देने का समय आया, टिकट बंटवारे का समय आया, तो नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकट देकर 56.5% दूसरे लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण किया। जब उन्होंने दूसरे लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण किया तो जो लोग आजादी के आंदोलन में शहीद हो गए थे, जो लोगों ने आजादी हासिल करने के लिए अपनी जान कुर्बान की थी, अपना जीवन उत्सर्ग किया था, उन लोगों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और गांधी ने धोखा किया, विश्वासघात किया। और ये जो धोखा किया, विश्वासघात किया, तो ये पहला मौका था, ये पहला एविडेंस था कि कांग्रेस ने भारत के संविधान के साथ धोखाधड़ी करने का काम शुरू किया। मैं भारत के मुसलमानों से इस बात के लिए 200% सहमत नहीं हूं कि केवल बीजेपी के लोगों ने संविधान के विरोध में काम किया, मैं बिल्कुल क्या 200,000% सहमत है और दाम अब भविष्य में कभी समाप्त हो सकता है। मैं तो डॉक्यूमेंट्री बोल रहा हूं, मुसलमानों को अपने विचारों में परिवर्तन करना होगा। अगर इस देश में वो चाहते हैं कि केवल बीजेपी में परिवर्तन हो या सत्ता में परिवर्तन हो, उससे काम नहीं होने वाला। इसलिए ये बात कह रहा हूं, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, जब बाबा साहब अम्बेडकर बॉम्बे में चुनाव लड़ रहे थे तो थोड़ा एक ही किस्सा बता दूं। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन का मौका है तो काजवड़कर नाम का एक शेड्यूल कास्ट का आदमी, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने ही कार्यकर्ता बनाया था, नेहरू ने उसको बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में खड़ा किया। उसने नेहरू को कहा, काजोड़ करने के चुनाव लड़ने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है,
तो नेहरू ने उसको कहा कि तुम पैसे की चिंता मत करो, मैं तुमको पैसा भेज देता हूँ। नेहरू ने उसको 25,000 रुपया बावन का उस समय का भेजा। तो उसने दोबारा नेहरू को कहा कि चुनाव आयोग को 2,000 खर्चा करने के लिए बोल रहा है और आपने मुझे 25,000 रुपया चुनाव लड़ने के लिए भेजा। तो नेहरू ने उसको कहा कि बाबा साहब अंबेडकर को 2,000 रुपए में हर बात हो गए, गधे हो गए, अकल नहीं है तुमको, कुछ समझ नहीं आता कि 2,000 में हर बात हो। तो इसने कहा कि फिर तो 25,000 रुपए खर्चा करके अगर मैं चुनाव लड़वाता हूं तो ये तो चुनाव में भ्रष्टाचार होगा। तो नेहरू ने कहा कहे को चिंता कर, सरकार मेरी, मैं प्रधानमंत्री, तेरे को बचाने वाला मैं हूं ना। जब वो चुनाव जीत गया तो बाबा साहब अंबेडकर के पास आया दादर में। फैक्ट बात आपको बता रहा हूं और रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। तो कहा कि बाबा साहब मैं आपके खिलाफ चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, नेहरू ने 25,000 रुपये दिया, 25,000 की कीमत आज में 2.5 करोड़ से ज्यादा है। तो मैं लड़ना नहीं चाहता था मगर 25,000 दिया, इसलिए चुनाव लड़ा। मुझे जीतने का खुशी नहीं है, आप हार गए इसका दुख बहुत ज्यादा है। तो उसके जब ये बात वो कह रहा था तो खैरमोड़े नाम का वकील बाबा साहब अंबेडकर का अधिकृत जीवनीकार उधर बैठा था। जो बैठा था तो उसने अपने किताब में लिखा, तो मैंने पढ़ा। अब कोई आदमी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में लिखे और वामन मेश्राम ना पढ़े ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे लोग बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कहते रहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर 24-24 घंटा अभ्यास करते थे। हमने ऐसा कहने वालों को पूछा, आप कितना घंटा अभ्यास करते हैं? कहा कि क्या करने के लिए, बाबा साहब ने कर दिया है सब कुछ, बाबा साहब ने अकेले नहीं अभ्यास कर दिया तो हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तो साथियों वो किस्सा उन्होंने किताब में लिखा, वो हमारे पास रिकॉर्ड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नेहरू ने पहले लोकसभा का चुनाव भ्रष्टाचार करके जीता, डॉक्यूमेंट्री बता रहा, काल्पनिक बात नहीं बता रहा। और जब संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया तो जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे ऐसे कानून बनाए, क्योंकि लोग जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते हैं, आधुनिक भारत का निर्माता, महान समाजवादी, महान धर्मनिरपेक्ष, बच्चों का चाचा, पता नहीं सारे, हम अपने बाप के सगे भाई को चाचा नहीं कहते और नेहरू को चाचा कहते रहते हैं। तो नेहरू ने ऐसे ऐसे कानून बनाए, उस कानून का सहारा लेकर आज भारत में, आजाद भारत में 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है। अच्छा, ये 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है, उसमें 4 पार्टियां प्रचार करती हैं सेकुलर, और एक पार्टी है वो कहती हम सेकुलर नहीं है, बीजेपी। 4 पार्टी कहती हम सेकुलर, और 4 पार्टियों में कौन सी पार्टी है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है, होगी 4 पार्टी, और 5वीं पार्टी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की, होगी 5 ब्राह्मणों की पार्टी। इनकी संख्या है 3.5%, महाराष्ट्र में 1.5% भी नहीं।
अगर देश में ईमानदारी से चुनाव हो तो ब्राह्मण ग्राम पंचायत का पंच नहीं बन सकता, सरपंच बनने का तो सवाल ही नहीं है। देश में अगर ईमानदारी से चुनाव हो तो ब्राह्मण ग्राम पंचायत का पंच नहीं बन सकता, तो सरपंच कहां से बनेगा। मगर उन्होंने कानून और संविधान के विरोध में जाकर ब्राह्मणों ने कब्जा किया और एक कब्जे का कार्यक्रम कांग्रेस ने शुरू किया, नेहरू ने शुरू किया, इंदिरा ने आगे बढ़ाया, राजीव गांधी ने मुकम्मल किया, पूरा किया। ये बात इसको समझना जरूरी। मैं मुसलमानों के कई बड़े बड़े जलसे में गए, कल भी मैं पटना में बात कही कि आप लोग जिस कांग्रेस को सपोर्ट दे के दिल्ली के गद्दी पर लाते हो तो मैं स्टैंप पेपर पर लिखवाने के लिए तैयार हूं मुसलमानों के साथ में, कि अगर मुसलमान कांग्रेस को वोट ना दे तो मैं स्टैंप पेपर पर लिखवा सकता हूं कि वो दिल्ली के गद्दी पर कभी काबिज नहीं हो सकते। मुसलमानों के सपोर्ट से कांग्रेस दिल्ली के गद्दी पर काबिज होती है और काबिज होने के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार किया। 14 अगस्त 1947 को मुसलमान प्रशासन में 33% थे और 60 साल के बाद मुसलमानों का परसेंटेज हो गया 2.5%। 14 अगस्त 1947 को शेड्यूल कास्ट की संख्या 0.5% थी प्रशासन में, अभी 11% है। अभी शेड्यूल कास्ट की संख्या प्रशासन में 11% है, मुसलमानों की संख्या जब 33% थी तब शेड्यूल कास्ट के लोग 0.5%। जब कांग्रेस का राज आया मुसलमानों के सपोर्ट से, जिन मुसलमानों ने सपोर्ट देकर कांग्रेस को, नेहरू को, इंदिरा को, राजीव को दिल्ली के गद्दी पर पहुंचाया, उस कांग्रेस ने मुसलमानों को प्रशासन में कितनी संख्या दी, 2.5%। मुसलमानों की संख्या कितनी, 15%। प्रशासन में नौकरियां कितनी, 2.5%। तो ये मुसलमानों का सत्यानाश किया किसने, कांग्रेस ने। तो ये आंखें खोलकर देखने की जिम्मेदारी किसकी, मुसलमानों की है ना, मुसलमानों को देखना चाहिए। इसलिए मैं ये बात कहता हूं, मजबूर होकर मैं हर जगह ये बात कहता हूं कि तुम केवल बीजेपी को और आरएसएस को ही कहते रहते हो कि यही बदमाश है। अरे पहले नंबर का बदमाश तो कांग्रेस है। आज भी भारतीय जनता पार्टी 6 लाख गांव की पार्टी नहीं है, 6 लाख गांव की पार्टी कांग्रेस हारने के बावजूद भी आज 6 लाख गांव की पार्टी है। क्या केरला के गांवों में बीजेपी है, नहीं है। साउथ इंडिया के कई कई राज्य हैं जहां है नहीं, मगर कांग्रेस तो है। मैं इसलिए ये बात आपको बता रहा हूं क्योंकि एक ब्राह्मण जाएगा दूसरा ब्राह्मण आएगा, एक ब्राह्मण आएगा दूसरा ब्राह्मण जाएगा, कांग्रेस आएगी बीजेपी चली जाएगी, बीजेपी आएगी कांग्रेस चली जाएगी। एक नागनाथ है एक सापनाथ है, नागनाथ डस ले तो भी मरना तय है, सापनाथ डस ले तो भी मरना तय है। तो मुझे तो समझ नहीं आता मुसलमान का कि वो मरना क्यों चाहे। मोहम्मद साहब तो कहते हैं कि जो अकलमंद होता है मोमिन वो एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसवाता, और ये बात मुझे मालूम नहीं थी, मुसलमानों ने मुझे बताया कि जो सही और सच्चा मुसलमान होता है एक सुराख से दोबारा, मौलाना बराबर है ना, दोबारा नहीं डसवाता। ये तो 71 साल में 71 बार डसवाए, 71 साल में 71 बार डसवाए, तो मुसलमान तो मोहम्मद साहब की भी बात नहीं मान रहा। अब मुसलमान अगर मोहम्मद साहब की बात नहीं मानेंगे तो मोहम्मद मेसराम की तो मानने से रहेंगे। जब वो मोहम्मद साहब की बात नहीं मानते तो मेरी कहां से मानेंगे।
मगर मेरी जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी मैं आपको बता रहा हूं, जो सच है वो बताए, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस भी बदमाश है, बीजेपी भी बदमाश है, तो मुसलमान मुझे पूछते हैं ठीक है तो इसका विकल्प क्या है, मुसलमान मुझे पूछते हैं इसका विकल्प क्या है, तो मैंने कई जगह ये बात बताई, यहां भी बता देता हूं क्योंकि बहुत अहम बात है और देश को जो बात मैं बता रहा हूं उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, विकल्प की जरूरत है, अल्टरनेटिव की जरूरत है। 71 साल में कांग्रेस ने 57 साल राज किया और 57 साल राज करने के लिए मुसलमानों ने कांग्रेस को सपोर्ट दिया कि वो आरएसएस को रोकने का काम करे, रोकने की तो छोड़ो सब पे बिठा दिया, दिल्ली के गद्दी पे पहुंचा दिया, ये तो कांग्रेस ने पहुंचाया। तो ये भी बात बताता हूं, जो ईवीएम मशीन आएगा तो ईवीएम मशीन तो लाया कांग्रेस ने, ईवीएम मशीन में घोटाला 2004 2009 में कांग्रेस ने करके चुनाव जीता और 2014 में कांग्रेस ने घोटाला करने के लिए बीजेपी के साथ समझौता किया, इस समझौते के तहत तो दिल्ली में बीजेपी आई और मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये तो मैं ऐलानिया कह रहा हूं, ऐलानिया कह रहा हूं, जाहिर कह रहा हूं। तो किसी राहुल गांधी ने, किसी सोनिया गांधी ने अभी तक मेरे पर केस नहीं किया कि मेसराम जी तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो मुंह पे फेंक के मारूंगा जब केस करेंगे तो, सबूत मेरे पास है। वो जानते हैं मामन मेसराम माइक पर बाद में बोलता है, सबूत पहले इकट्ठा करता है, तो मैं तो सबूत के साथ बोलता हूं, डॉक्यूमेंट के साथ बोलता हूं। तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि विकल्प खड़ा करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2014 में कांग्रेस को कितने वोट पड़े, 18.5% और 18.5% में तो अकेले 15% मुसलमानों के, बीजेपी के और नरेंद्र मोदी के विरोध में मुसलमानों ने इकट्ठा होकर कांग्रेस को वोट दिया, तो 18.5% में अकेले 15% तो अकेले मुसलमानों के। हमारे यहाँ पॉपुलर फ्रंट के कार्यकर्ता है, यहाँ खड़े हैं, रेगुलरली है, पॉपुलर फ्रंट के लोगों ने उस चुनाव में संगठन उन्होंने बनाया, चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने, संगठन बनाया अपना आंदोलन खड़ा करने पर, चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने भी कांग्रेस को सपोर्ट दिया। तो सारे मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, तो 18.5% में 15% तो अकेले मुसलमान, तो कांग्रेस के कितने, 3.5%। इसका मतलब यह है कि अगर 3.5% ही कांग्रेस के है तो मुसलमानों के लिए कांग्रेस विकल्प कैसे है, तो अगर कांग्रेस के पास केवल 3.5% है तो कांग्रेस को आप विकल्प कैसे मानते हैं, बीजेपी की विकल्प अकेले कांग्रेस तो विकल्प है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि विकल्प का मतलब क्या है, एक जालिम का विकल्प दूसरा जालिम कैसा होता है, ये तो अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि जालिम जो अत्याचार करता है, तो मैं आपको बताता हूं इब्राहिम कौन है, इनका डीएनए यहूदियों का है और यहूदियों ने मोहम्मद साहब को जिंदगी भर परेशान किया, तो जब उन्होंने मोहम्मद साहब को नहीं बख्शा मुसलमानों को बख्श देंगे, जिन्होंने मोहम्मद साहब को नहीं बख्शा, दिल्ली में मुझे मुसलमान ने किताब दी, कहा कि इसमें यह लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब ने अपने आखिरी समय में अरब से ब्राह्मणों को निकाल दो ऐसा आह्वान किया हुआ। मैंने कहा क्या सही है क्या झूठ है वो तो आप देख लो भाई, मगर अगर मोहम्मद साहब ने अरब से यहूदियों को निकाल दो तो कुछ यहूदी मुझे लगता है भारत में आए, और वो यहूदी इधर ब्राह्मण के नाम से, तो
ब्राह्मण का डीएनए और यहूदियों का डीएनए एक है। तो यहां जो ब्राह्मण है और यहूदी, इनका डीएनए एक है, तो वो आपको छोड़ने वाले नहीं, तो छोड़ नहीं रहे। अब आप क्या कहते, आप क्या सोचते हैं, आप कल्पना में विचार करते हैं कि उसमें से कुछ यहूदी सेकुलर है, कुछ यहूदी कम्युनल है, उसमें ये जो कम्युनल है वारिसेस वाले हैं और सेकुलर ब्राह्मण कांग्रेस वाले हैं, आपने कल्पना में ही करते हैं। अरे ठीक है, अगर सेकुलर है तो एक बार कहा, दूसरी बार तो टेस्ट करना चाहिए ना है कि नहीं है, दूसरी बार भी टेस्ट नहीं किया, तीसरी बार भी टेस्ट नहीं किया। अरे 70 साल से आप टेस्ट कर ही नहीं हो भाई। किसान जो अनपढ़ होता है, जब उसके खेत में फसल नहीं आती है तो अपने घर में एकांत में बैठता है, सोचता है सारा ये फसल खेती में नहीं आ रही, अगले साल ये फसल में बोने वाला नहीं, वो फसल बदल देता है। आप हैं कि आप बदल ही नहीं आए। आप कांग्रेस का राज आने के पहले इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, उसका टाइटल था मुसलमानों के बारे में, देश में कम जेल में जाना है, हमारे पास रिकॉर्ड, राज कांग्रेस का चल रहा था, टाइटल क्या था, देश में कम जेल में ज्यादा, देश में कम का मतलब 15% और जेल में कितने 51%, देश में 15% है और जेल में 51%, या तो मुसलमान है या तो एससी एसटी ओबीसी के लोग। साथियों, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों ने बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस को लाया और इसके बावजूद भी बीजेपी दिल्ली के गद्दी पर आई और रोकने में आप कामयाब नहीं हुए, और अगर रोकने में कामयाब होते भी है तो वो कांग्रेस को आप लाते हो जिस कांग्रेस ने 33% मुसलमानों से 2.5% मुसलमान प्रशासन में लाया। ये जो परिस्थिति मुसलमानों के साथ में हुई है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का ये कहना कि हम लोगों को कांग्रेस ने या कांग्रेस के ब्राह्मणों ने हम लोगों को आजाद भारत में गुलाम बनाया, तो मैं अब ये कहता हूं कि हमारे साथ साथ मुसलमानों को भी बनाया, हमको तो बनाया बनाया। ये बात तो बाबा साहब ने नहीं कही है, मैं कह रहा हूं और मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर कह रहा हूं, सच्चर कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं कि मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने खुद ही बनाया था। तो इस तरह से आज देश में ब्राह्मणों में अलग अलग जो पार्टियां हैं, वो सारी ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। 2014 के चुनाव में, 2009 के चुनाव में जो ब्राह्मणों की पार्टियां थी उनकी संख्या संसद में 375 थी, ये लोकसभा सेक्रेटरिएट का आंकड़ा है, और 2014 में चुनाव हुआ 411 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा हुआ, कम नहीं हुआ और बढ़ गया। तो इस तरह से ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, और जो बीजेपी है उसमें 76 एमपी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जॉइंट इलेक्टोरेट में चुनकर गए, जो जॉइंट इलेक्टोरेट गांधी ने पूना पैट के द्वारा हमारे लोगों पर थोपा था, गांधी ने आमरण अनशन करने के बाद हमारे लोगों पर थोपा, वो कुछ दिन तक उससे जॉइंट इलेक्टोरेट से कांग्रेस को फायदा हुआ। गांधी के पूना पैक्ट ने आज आजाद भारत में बीजेपी को, आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को, जो मुसलमानों का दुश्मन संगठन है, उसको मजबूत करने का काम किया। ये सत्यानाश का काम तो गांधी ने किया, मोहनदास करमचंद गांधी ने किया। ये सारी बातें जो है डॉक्यूमेंट्री है, कोई काल्पनिक बातें तो कह ही रहा और सारे देश भर में कह रहा। मैं तो ये भी कहता हूं कि कांग्रेस के लोगों को, अगर तुम गलत मानते हो मैं जो कह रहा हूं, चलो आ जाते टीवी पर बहस करते, आमने सामने बैठ कर बहस करते, आ जाओ तो तुम 10 लोग आ जाओ, मैं अकेला आया था, 10 वामन 1 वामन बहुत हो गया, ज्यादा जरूरी नहीं है। तुम्हारे बाप दादा के डॉक्यूमेंट मेरे पास में है, अरे तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम अपने बाप दादा की भी नहीं मानोगे क्या? जब तुम अपने बाप दादा की भी नहीं मानोगे तो तुम किसकी संतान हो भाई? सवाल क्या हो जाएगा?
आखिर तुम संतान किसकी हो? मैं इसलिए बातें आप लोगों को कह रहा हूं कि देश की जो वास्तविक परिस्थिति है, इस वास्तविक परिस्थिति को विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि इस परिस्थिति में परिवर्तन करना होगा। अगर बीजेपी को हम सत्ता से खदेड़ देते हैं, कांग्रेस को लाते हैं, तो परिस्थिति में बदलाव कैसे होगा? क्योंकि कांग्रेस के रहते रहते तो ये माहौल बन गया। भारत में कांग्रेस के रहते रहते तो ये परिस्थिति बनी। अगर कांग्रेस के रहते रहते ये बात परिस्थिति बनी तो कांग्रेस को दोबारा लाने से क्या होगा? गुजरात के चुनाव में राहुल गांधी और उनके द्वारा जो प्रचार किया गया तो उसमें कांग्रेस ने प्रचार किया कि बीजेपी के लोग हिंदुत्ववादी है और हम भी हिंदुत्ववादी। क्या कहा कांग्रेस ने कि बीजेपी के लोग कहते हो हम हिंदुत्ववादी है? तो राहुल ने कहा हम भी हिंदुत्ववादी है। फर्क इतना है कि बीजेपी का हिंदुत्व जो है वो हार्ड लाइन है, हमारा सॉफ्ट लाइन, हमारा सॉफ्ट लाइन हिंदुत्व है। तो मैंने अहमदाबाद में मुसलमानों का 50,000 लोग इकट्ठा हुए तो कहा कि आप लोगों को पता है सॉफ्ट लाइन का क्या अर्थ है? कि बीजेपी के लोग मुसलमानों को झटके से काटते, दैट इज हार्ड लाइन। एक झटका हमारा मुसलमान को काटते होगे, दैट इज हार्ड लाइन। और जो सॉफ्ट वाले जो है कांग्रेस वाले, वो मुसलमानों को क्या कैसे करते हैं? वो भी काटते हैं, धीरे धीरे काटते, धीरे धीरे हल्लू हल्लू काटते और मुसलमानों को पूछ कर काटते। मौलाना दर्द तो नहीं होगा, थोड़ा हल्के से करो क्या, कलमा पढ़ के करो क्या, ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए कि एक मुसलमान मर जाएगा तो दूसरे मुसलमान दो चार और बन जाएंगे, तो तुमको तसल्ली होगी कि मैं तो मर रहा हूं, मगर दो चार आदमी जो है कलमा पढ़ रहे तो मुसलमान हो रहे, तो तुम्हें तसल्ली हो रही कि अल्लाह ताला की घर में तो मुझे जन्नत में जगह मिल जाएगा। साथियों मैं इसलिए बता रहा हूं, ये बात समझाने के लिए बता रहा हूं, मैं कोई ब्लेम देने के लिए कि आप अपने विचार करने के तौर तरीके में कि आप दुश्मन भेद बदल कर आ रहा है, दुश्मन सेकुलरिज्म का भेद बदल कर आ रहा है। हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो एक बचपन के स्कूल में एक कथा हमको पढ़ाई जाती, तो कथा का टाइटल था बगुला भगत। वो बगुला भगत जो है वो तालाब के किनारे एक पंछी होता था और वो पानी के अंदर जाकर आग लगा के ऐसे खड़ा होता, तो मछली को लगता था तो संत आदमी, ये तो भगत आदमी है, तो महात्मा आदमी है, समाधि में आग लगा के खड़ा है और बीच बीच में आग खोलता वैसे आ गई क्या मछली, देखता कोई मछली आ गई, और जैसी मछली आती थी उसकी लंबी चोच होती थी, लंबी चोच से इमीडिएट मछली को पकड़ता था और मछली को खाते से निगल जाता था और फिर आग लगा के खड़ा होता। मछली को लगता था सर तो भगत आदमी है, तो महात्मा आदमी, तो संत आदमी। इसलिए उदाहरण आपको दे रहा हूं कि ये जो लोग हैं, ये लोग जो है हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करने वाले लोग हैं, धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, फेर बदल कर आने वाले लोग हैं। मैं एक किस्सा आपको थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा बताता हूं। मुर्गियों का सम्मेलन हो रहा था और मुर्गियों को काट कर खाने वाले लोगों ने मुर्गियों का सम्मेलन आयोजित किया था, काटने वाले लोगों ने मुर्गियों का सम्मेलन आयोजित किया था और उनको काटने वाले लोगों ने बताया था मुर्गियों को कि आपको अपने सम्मेलन में रेजोल्यूशन पास करना है, प्रस्ताव पारित करना है कि आपको कौन से मसाले में पलना है। मुर्गियों को बताया गया कि आपको कौन से मसाले में पलना है, ये आपको प्रस्ताव पारित करके रेजोल्यूशन पास करके बताना है। बड़े से बड़ा महंगे से महंगा मसाला, वो आपको पूरी आजादी, आपको मसाला बताने की पूरी आजादी। तो कुछ अकलमंद मुर्गियां इकट्ठा हुई और आपस में सलाह मशवरा करने लगी और एक मुर्गी ने दूसरी मुर्गी को कहा कि इसका मतलब है काटना
इसका मतलब है काटना तय है। तो दूसरी मुर्गी ने कहा कि कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा काटने से बचने की। तीसरी मुर्गी ने कहा कि ऐसा करते हैं 11 मुर्गियों का एक डेलीगेशन बनाते हैं और काटकर खाने वाले लोगों के पास जाते हैं और उनको अनुरोध करते हैं। तो रेजोल्यूशन पास हो गया, वो 11 मुर्गियां इकट्ठा होकर काटकर खाने वाले लोगों के पास गई और कहने लगी कि क्या ऐसे नहीं हो सकता कि हमको काटा ही ना जाए। 11 मुर्गियों ने काटकर खाने वालों को कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमको काटा ही ना जाए। तो काटकर खाने वाले लोगों ने मुर्गियों को बताया कि काटने का फैसला तो पहले ही हो चुका है, काटने का फैसला तो पहले ही हो चुका है, अभी केवल एक काम बाकी है, कौन से मसाले में तलना है यही आपको बताना है, बाकी तो सब हो गया, काटने का फैसला तो हो गया। तो चाहे हार्ड लाइन हिंदुत्व हो चाहे सॉफ्ट लाइन हिंदुत्व हो, मुसलमानों को काटने का तो फैसला हो गया। हार्ड लाइन हिंदुत्व का हो या सॉफ्ट लाइन हिंदुत्व का हो, काटने का तो फैसला हो गया। दूसरी एक बात महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बहुत अहम है, वो ये है, बीजेपी वाले मुसलमानों के साथ क्या करते हैं, एक इनोसेंट मुसलमान को पकड़ते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, उसकी धुलाई करते हैं, धुलाई करके कभी उसको मारते हैं, कभी उसकी हत्या कर देते हैं, कभी कभी रेल के अंदर कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, ऐसा बीजेपी वाले कर रहे हैं। और सरकार जो बीजेपी की है इसके तरफ देखती है, कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस क्या करती है कि मुसलमानों को निजाम, जो भारत सरकार का निजाम, निजाम ये उर्दू शब्द है, ये जो व्यवस्था है, निजाम का मतलब है सरकार की व्यवस्था है, उस व्यवस्था से मुसलमानों को बेदखल कर दिया है। बीजेपी से ज्यादा खतरनाक काम कांग्रेस ने किया कि जो प्रशासन है, क्योंकि एक एमएलए 5 साल के लिए चुनकर जाता है, एक एमपी 5 साल के लिए चुनकर जाता है, और चुनकर जाने के बाद में वो 5 साल के बाद वापस आ जाता है, दोबारा चुनाव होता है। एक आईएएस आदमी, एक आईपीएस आदमी, एक आईआरएस आदमी जब आईएएस बन जाता है तो कम से कम 30 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 साल तक रहता है। तो मुसलमानों को कांग्रेस ने ये जो इंतजामिया है, जो व्यवस्था है, उर्दू इंतजामिया कहते हैं, निजाम है, इससे खदेड़ दिया, व्यवस्था से मुसलमानों को खदेड़ा। ये तो बीजेपी से बहुत भयंकर काम किया, खदेड़ना समझते आप लोगों को, मुसलमानों को खदेड़ना समझ में आता है, चलो मैं खदेड़ने का भी अर्थ समझाता हूं, कोई शब्द होते हैं उसके खास अर्थ होते हैं, कि मैं किसान का बेटा, हमारे और दो भाई हैं, तो खेती में हम भी काम करते थे हमारे पिताजी को मदद करने के लिए, तो कभी कभी दूसरों के एरिया के जानवर हमारी खेती में आकर फसल की नुकसान करते थे, तो हमारा पिताजी हमको कहते थे कि ये डंडे ले लो, तो एक एक डंडा तीनों भाइयों के पास देते थे और कहते थे कि ये जो जानवर है इनको दौड़ा दौड़ा कर 2-4 किलोमीटर तक खदेड़ो और ऐसा हका दो मत, खदेड़ो। खदेड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, वो जानवरों को दौड़ाना पड़ता है और दौड़ा दौड़ा कर कम से कम 2-4 किलोमीटर तक दौड़ाना पड़ता है। अब दौड़ाने के बाद डंडे लेकर उसके पीछे लगाना पड़ता है और 2-4 किलोमीटर दौड़ाकर भगाने के बाद फिर वापस आना पड़ता है कि कब नहीं आए। अब अगर आना भी है तो उसको बहुत समय लगेगा। तो कांग्रेस ने मुसलमानों को ऐसा दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा, ऐसा खदेड़ा, ये काम बीजेपी के लोगों ने नहीं किया। बीजेपी के लोग एक मुसलमान को, इनोसेंट आदमी को धरते हैं, पकड़ते हैं, मारते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं, बस ये करते हैं, तो सारे देश भर में मुसलमानों में सनसनी फैल जाती है और वो ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस ने तो मुसलमानों को व्यवस्था से, इंतजामिया से, निजाम से ही खदेड़ दिया। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2-3 सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारियों को बुलाया और पूछा कि हमें अगर मुसलमानों के विरोध में कुछ करना है तो क्या कर सकते हैं, आप जरा बताइए।
तो सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारियों ने अटल बिहारी को कहा कि कुछ नहीं कर सकते। कहा क्या मतलब? कांग्रेस ने पहले कर दिया, करने के लिए कुछ बचा नहीं। अटल जी, करने के लिए कुछ बचा हो तो आपको बता दें, करने के लिए मुसलमानों को कांग्रेस ने 2.5% तक नीचे लाया, आप 0% नहीं कर सकते, न तो सारी बदनामी आपके हिस्से में आ जाएगी, सारी बदनामी आपके हिस्से में आ जाएगी। ये तो आप कर नहीं सकते। ये आप कैसे करें? अरे तो कांग्रेस ने हमसे ही ना करवाया, हम ही तो आए अधिकारी, हमने तो इम्प्लीमेंटेशन कराया कांग्रेस के कहने पर। साथियों, ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग सोचते होंगे कि यहां पर आप मुसलमानों को ही ज्यादा से ज्यादा बता रहे हो। बहुत सही बात है, मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि मुसलमान 15% है। अगर उनके विचार करने के तौर तरीके में अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो हम चाहे कितना भी परिवर्तित हो जाए, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, क्योंकि हम परिवर्तन के लिए कोशिश करें, मुसलमान रोकने की कोशिश करेगा तो क्या कर लेंगे। हम चाहे कितनी भी ताकत लगा रहे इकट्ठा होकर के परिवर्तन करने के लिए, तो मुसलमान कांग्रेस को वोट देकर उसको रोकने की कोशिश करेगा तो परिवर्तन होगा कैसे। ये बात मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, मुसलमानों के नजरिए में परिवर्तन होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुसलमानों के सोचने समझने के तौर तरीके में अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो मुसलमानों की स्थिति आने वाले समय में बहुत भयंकर होने वाली है। मैं मुसलमानों को चेतावनी देकर कह रहा हूं, मैं ये बात मुसलमानों को दुश्मन समझकर नहीं कह रहा हूं, वो मेरा भाई है, भारत का मुसलमान, विदेश से आया हुआ नहीं है, वो यहां से ही कन्वर्ट होकर मुसलमान बना हुआ, वो मेरा डीएनए मुसलमान का डीएनए एक है, मेरा डीएनए ब्राह्मण का डीएनए एक नहीं है, इसलिए मुझे दर्द होता है। तो इसलिए ये जो परिस्थितियां है, इस परिस्थिति में परिवर्तन करने के लिए, बदलाव करने के लिए विकल्प खड़ा करना होगा, और विकल्प के लिए जब मुसलमान मुझे पूछते हैं कि विकल्प क्या है, तो विकल्प खड़ा करने के लिए हमारे पास राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। अगर राष्ट्रीय स्तर का हमारे पास संगठन है और राष्ट्रीय स्तर का संगठन है तो हमने पहल कर दिया, हमने पहल कर दिया, आपका साथ चाहिए, पहल तो हमने कर दिया, पहल तो मुसलमान को करना चाहिए, मुसलमानों ने नहीं किया, क्योंकि ये अल्लाह ताला मजलूमों का साथ देने की जिम्मेदारी आप पर लगाया। अगर अल्लाह ताला ने मजलूमों का साथ देने की जिम्मेदारी लगाई तो आपको पहल करना चाहिए था मजलूमों को साथ देने के लिए। आपने तो आइडेंटिफाई भी नहीं किया कि आखिर भारत में कौन मजलूम रहते हैं, आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने पहचान ही नहीं किया कि कौन मजलूम है जिसका साथ देने के लिए अल्लाह ताला ने कहा। तो मजलूम हम लोग हैं, आपको पहल करना चाहिए था, आपने नहीं किया, हमने हम कहते कि मुसलमानों को पहल करना चाहिए, और कुरान कहता है खुदा उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है, खुदा उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। इसका अर्थ यह है कि मुसलमानों को कुरान और अल्लाह ताला कह रहा है पहल करो, खुदा उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। खुद अपनी मदद करने का काम तो तब होगा जब पहल होगा, इनिशिएटिव होगा, इनिशिएटिव होगा, पहल होगा, तब जाकर के अल्लाह ताला भी फिर उसमें मदद करेगा। मगर अगर आप कुछ करोगे नहीं तो अल्लाह ताला फिर उसमें मदद कैसे करेगा? आपको तो अल्लाह ताला तब मदद करेगा जब आप कुछ करेंगे। खुदा उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है, ये तो लिखा हुआ बात। हमारे पास तो ऐसी कोई किताब नहीं जैसे आप लोगों के पास है, हमारे पास इतना सारा ज्ञान कुरान में है, ऐसी किताब तो हमारे पास है नहीं, आप लोगों के पास है, जिसके अनुसार आपको आचरण करना चाहिए। और अगर आप पहल करते हैं, नहीं किया हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, अगर हम मिलजुल कर करें, मिलजुल कर करें तो क्या होगा? देखो
15% मुसलमान अगर कांग्रेस को वोट देने का काम ना करे तो कांग्रेस की संख्या हो जाएगी 3.5%। विकल्प खड़ा करने के लिए एक तरीका बता रहा कि मुसलमान आंख लगा के बीजेपी के विरोध में कांग्रेस को वोट डालता है। ऐसा ही 0% नाम का एक संगठन है, 0% के संगठन को मुसलमानों ने वोट डाला 19 में वोट डाला तो उस संगठन की ताकत बन गई 15%। ओके, 15% मुसलमानों की बात है, उन्होंने कांग्रेस को वोट डालते हैं। अब की बार अल्लाह ताला के सिद्धांत के अनुसार 0 जो मजलूम है उस मजलूम को आपने वोट डाला, मजलूम का साथ दिया, उसकी संख्या 19 में हुई 15%। जब 15% वाली पार्टी बनेगी कांग्रेस 3.5 में आ गई, वो भी तीसरे नंबर, जब वो तीसरे नंबर की हो गई और दूसरे नंबर की मुसलमानों ने सपोर्ट दे करके बनाई तो 2024 में फिर चुनाव आएगा। अब 24 को चुनाव आने के बाद SC ST OBC को क्या लगेगा, इनके पास 15 है और मेरे पास भी 15 है, 15-15 अगर मिल जाए तो 30 हो जाती है। मोदी के पास 31 है, अगर हम 30 हो जाए और मोदी का 31 है कि साला 2-4% और घट जाएगा, और घट जाएगा तो हमारा 30% का मामला आगे निकल जाएगा और हम देश में विकल्प खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसा करना होगा। ये सोचने का काम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। मुसलमान ये सोच नहीं रहे, वो क्या सोच रहे हैं, बीजेपी को चुनाव में हरवाना है तो मुझे कहते हैं संघ अब की बार आप हमारा साथ, कांग्रेस को वोट देने के लिए अब की बार आप हमारा साथ दो, अब की बार कांग्रेस को वोट दे करके बीजेपी को हरवाते हैं। मैंने कहा ठीक है, अब की बार एक बार मैं आपको आपकी मान ले, चलो हाँ 24 के बारे में अभी तय कर लेते हैं, चलो आपकी बात मैं मान लेता हूं, 24 को मेरी बात मानोगे, 24 के बारे में अभी से तय नहीं किया जा सकता। नहीं देखो आपका मामला क्या है, कैसे होगा आपको बता रहा, अभी बीजेपी को हरवाने के लिए वोट डालोगे और 24 को क्या कहोगे मुझे कि बीजेपी ना आए इसके लिए फिर कांग्रेस को वोट, अभी हरवाने के लिए बोलेगी और 24 को कहेंगे कि बीजेपी ना आए इसके लिए हमारा साथ दो। ये मैं करने वाला नहीं हूं, ना 19 में करने वाला हूं ना आप 24 में करने वाला हूं, क्योंकि इससे हमारा विकल्प खत्म होगा, हमारी भ्रूण हत्या होगी। विकल्प जो बनाना है उसकी भ्रूण हत्या होगी। विकल्प तो जोरों से बनता है, अपने आप नहीं बनता है, पहल करने से बनता है, कोशिश करने से बनता है, ईमानदार प्रयास करने से बनता है। और जब विकल्प खड़ा होगा तब क्या होगा, जो इस देश में गुलाम बनाए हुए लोग हैं उन लोगों को आजादी मिलेगी। संविधान पर अमल तब होगा जब अमल करने की ताकत होगी, अमल करने की कुवत होगी, अमल करने की शक्ति होगी। कमजोर कभी इंसाफ कायम करने का काम नहीं कर सकता, कमजोर ताकतवर होगा तभी इंसाफ कायम कर सकता है, कमजोर कभी दुनिया में इंसाफ कायम नहीं कर सकता। आप लोग चाहते हैं इंसाफ हो आपके साथ, कमजोरी से थोड़ी होगा। आप उन लोगों को हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, विनती कर रहे हो, जैसे बकरी शेर को विनती करती है, शेर भी अब की बार मुझे मत खाना। तो शेर कहता है कि देखिए बकरी जी, अभी तो गांधी जी का जमाना चल रहा है और हिंसा का न चल रहा है, नहीं खाऊंगा। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, शेर ने नहीं कहा कि एक दिन कहा बकरी के पास आया और कहा कि बहुत भूख लगी है, ठीक है तेरे को सामने से नहीं खाऊंगा, पीछे से खाऊंगा तो जिंदा जरूर रहेगी। अब आधा पीछे से खा लिया तो सामने से जिंदा रहेगी। तो आप अगर शेर को अनुरोध करोगे कि हमें बचाने का काम करो, कोई समझदारी की बात तो है नहीं। ब्राह्मणों का जो स्वभाव है वो सांप की तरह है, वो चूहे के बिल में घुस जाता है, सांप कभी घर नहीं बनाता, वो चूहे के बिल में घुसता है, चूहे को निगल जाता है और चूहे के घर पर कब्जा कर लेता है। जो जालिम का चरित्र है तो जालिम का स्वभाव है, तो जालिम का स्वभाव है, जालिम का चरित्र है। मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में कभी समझौता नहीं किया, उनके रिश्तेदारों से समझौता नहीं किया, उनके रिश्तेदार
वो जिस कबीले के थे कबीलों के उनके अपने कबीलों के साथ उनकी बातें मान लो, अकेले रहे मगर अपने सिद्धांत का त्याग नहीं किया, तब तो दुनिया उनको मानती है। सिद्धांत को अमल में लाने से किरदार बनता है, सिद्धांत को अमल में लाने से चरित्र बनता है, दृढ़ता आती है, संकल्प आता है, अब तब कहीं जाकर कुछ अच्छा काम करने लायक आदमी बनता है, ऐसे ही कहने से थोड़ी होता है। मैंने देश में जो परिस्थितियां बनी हैं उस परिस्थितियों के बारे में आपको समझाने की कोशिश की कि जब आप बार बार केवल बीजेपी को, केवल बीजेपी को, अरे वो तो बदमाश है ही है, बीजेपी के लोग बदमाश है, मगर मैं ये कहते रहता हूं कि बीजेपी के लोग ईमानदार दुश्मन, ईमानदार दुश्मन समझता हूं, वो खुल्लम खुल्ला हमारा विरोध करता है तो हमें पता चल जाता है बीजेपी के लोग बदमाश, बीजेपी के लोग बदमाश लोग है, जब वो खुल्लम खुल्ला हमारा विरोध करता है तो हमें पता चल जाता है अरे बदमाश लोग। मगर जो कांग्रेस के लोग हमारी बोली बोलते हैं, हमारी भाषा बोलते हैं और हमारी बोली हमारी भाषा बोलकर हमारा समर्थन लेते हैं और जब आ जाते सत्ता में तो पीठ के पीछे जाकर छुरा घोंपने का काम करते हैं और हमारे विरोध में काम करते हैं, तो कांग्रेस जो है ये बेईमान दोस्त है, बीजेपी ईमानदार दुश्मन है। जो मैं शब्द प्रयोग करता हूं उसके लिए 41 साल का तजुर्बा है, बहुत धक्के खाया है, इसलिए हम लोग कभी धोखा नहीं खाते, हम लोग हमारी ताकत कम रहेगी मगर धोखा नहीं खाएंगे, और एक बार आदमी ने धोखा खाया तो कम से कम दोबारा सतर्क होना चाहिए, दोबारा विजिलेंट होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए और सतर्क होकर के काम करना चाहिए। ये इस मौके पर जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उन लोगों को ये बात मैं कहना चाहता हूं। आखिरी बात इस संबंध में, मैं खुद इस बात से हैरान हूं कि 1916 से बाबा साहब अंबेडकर ने काम किया, 1956 तक 40 साल तक उन्होंने संघर्ष किया, एक बार भी एट्रोसिटीज के विरोध में मोर्चा नहीं निकाला। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन में 40 साल संघर्ष किया, एक बार भी एट्रोसिटीज के विरोध में मोर्चा नहीं निकाला। मैं हैरान हूं कि उन्होंने ऐसा किया। हम लोग प्रतिदिन एट्रोसिटीज के बारे में चिंता करते रहते हैं, तो फिर बाबा साहब अंबेडकर ने किया? आप लोगों के सामने सवाल आया होगा कि भाई बाबा साहब अंबेडकर ने एट्रोसिटीज के विरोध में मोर्चा नहीं निकाला तो फिर किया? तो बाबा साहब अंबेडकर ने एट्रोसिटीज ना हो इसके लिए व्यवस्था में क्या बदलाव लाना होगा वो काम करने का काम किया। हमारे लोगों को एजुकेशन का अधिकार नहीं था वो दिलवाने की कोशिश की, हमारे लोगों को लोकतंत्र में रिप्रेजेंटेशन नहीं था वो देने की कोशिश की, हमारे लोगों को पढ़ने लिखने के लिए पैसा नहीं था वजीफा दिया। तो एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। इसका मतलब यह है कि जो नई व्यवस्था बनने जा रही थी उस व्यवस्था में हमारे लोगों को शेयर होना चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने काम किया। तब मुझे बात समझ में आई कि उन्होंने एट्रोसिटीज के विरोध में काम नहीं किया, जो व्यवस्था हमारे ऊपर एट्रोसिटीज करती थी उस व्यवस्था के अंदर हमको जाना चाहिए। जब व्यवस्था के अंदर हम जाएंगे, व्यवस्था पर काबिज हो जाएंगे तो खुद ही हमारे लोगों के साथ न्याय करने लायक हो जाएंगे। ये करना होगा, ये करने के लिए सारे देश भर में लोगों की उस तरीके से तैयारी करनी होगी। हमारा दुश्मन हम लोगों को समस्याओं में उलझा कर रखना चाहता है, व्यवस्थाओं में बदलाव करने के लिए लोगों को तैयार करने का मौका नहीं देता है। ये बात हम लोगों को सतर्क होकर समझनी होगी। तो इसलिए संकल्प करके काम करना होगा, विचारपूर्वक काम करना होगा और डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ काम करना होगा। परिस्थितियों में ऐसी घटनाएं घटती होगी मगर ये समझना होगा कि अगर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है तो उसका कारण है, कारण निकालो ना। बलात्कार तो परिणाम है, परिणाम के लिए काम करोगे तो कारण कैसे खत्म हो? बलात्कार तो परिणाम है, कारण थोड़ी है। कारण को खत्म करोगे तब ना बलात्कार खत्म होगा। कारण को खत्म करने का काम नहीं करोगे, एक बलात्कार को आपने रोक लिया, ये तो ऐसा हुआ कि एक
झाड़ की डाली को काटा, बरसात आई, दोबारा पैदा हो गई डाली। फिर आपने काटा, दोबारा बरसात आ गई, फिर तीसरी डाली पैदा हुई। ये तो कोई समझदारी का काम तो है नहीं, ये तो विचारपूर्वक काम करने का कोई तरीका तो है नहीं। व्यवस्था में बदलाव करने के लिए पहल करना होगा। ये करने से आप लोग हासिल कर सकते हो कुछ, और इसके लिए मैं किसी के साथ भी कहीं पर भी बहस करने के तैयार, किसी के साथ। और मेरे अंदर इतना यकीन और विश्वास है, मैं अपनी बात मनवा सकता हूं, मैं ये मनवा सकता हूं अपनी बात। मेरे अंदर इतनी कुवत है, मैं इसी का मास्टर हूं और इसी के आधार पर 41 साल से इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का संगठन खड़ा किया और लोग हमारा साथ देते हैं इसकी वजह। अब मैं आखिरी बात, ये जो ईवीएम मशीन वाला मुद्दा है, इस पर थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ईवीएम मशीन आज के तारीख की मनुस्मृति है, उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत भयंकर बात है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया, अखबार वालों ने आज तक नहीं छापा। हम कहते हैं अखबार वाले वामन मेश्राम की खबर नहीं छापते, अरे सुप्रीम कोर्ट की नहीं छापते, तो अव्वल दर्जे के बदमाश लोग हैं। वामन मेश्राम की खबर नहीं छापते, ठीक है, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट की खबर नहीं छापी। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया, उसी खबर नहीं छापी, आज तक नहीं छापी। 8 अक्टूबर 2013 से 18 चल रहा है, अभी तक खबर नहीं छापी कि ईवीएम मशीन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। क्या फैसले में लिखा? फैसले में लिखा, केवल ईवीएम मशीन के आधार पर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी मुक्त नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता, इसका मतलब अंधेरे में धोखाधड़ी होगी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और कहा कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए पेपर ट्रेल मशीन जोड़नी होगी। पेपर ट्रेल मशीन जोड़ी जाएगी तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होगा। 5 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट कोई ये कांदीवली का मैजिस्ट्रेट है क्या? कांदीवली है नहीं? सुप्रीम कोर्ट कोई कांदीवली का मैजिस्ट्रेट नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के अनुसार सबसे बड़ी अदालत है और उसके ऊपर कोई अदालत नहीं है। उन्होंने फैसला दिया और चुनाव आयोग ने लागू नहीं किया, और उसका नतीजा क्या हुआ? 16 मई 2014 को रिजल्ट आया, बीजेपी को 283 सीटें मिली और 31% वोट पड़े। 31% वोट बीजेपी को पड़े और 283 सीटें मिली। हमने चुनाव आयोग के साइट पर आंकड़ों का अध्ययन किया तो पता चला कि आज तक जितने लोकसभा के चुनाव हुए उन चुनावों में 31% वोटों के आधार पर किसी को 272 सीटें नहीं मिली, सिंपल मेजोरिटी नहीं मिली, मगर बीजेपी को तो 272 से ज्यादा 11 सीटें और मिली। ऐसा हो नहीं सकता मगर ऐसा हुआ। निश्चित रूप से यह बात सिद्ध करती है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी जरूर है। जून महीने में मैं इधर बॉम्बे के दादर में ईवीएम मशीन के विरोध में बोल रहा था तो एक लड़का इकोनॉमिक टाइम्स का पेपर लेकर मेरे पास आया और डाइस पर रखा। मैंने पूछा क्या है, कहा कि बड़ी खबर है, भाषण के बाद पढ़ लेना। जब मैंने भाषण समाप्त किया, खबर पढ़ा तो खबर में लिखा हुआ था कि चुनाव आयोग ने 800,000 ईवीएम मशीन को कबाड़ में बेचने का फैसला किया। कबाड़ समझते हो ना? है? कबाड़ नहीं समझते? भंगार, कबाड़, भंगार, स्क्रैप में बेचने का फैसला किया। जब कबाड़ में बेचने का फैसला किया तो हम लोग बहुत हैरान हो गए। एडवोकेट के पास गए, वकील हाईकोर्ट के पास गए, वकील को कहा कि हमें
हाई कोर्ट में केस दायर करना है चुनाव आयोग के ईवीएम के विरोध में। कहा कि क्या सबूत है, तो हमने इकोनॉमिक टाइम्स का अखबार उसके सामने रखा। वकील ने कहा अखबार की खबर को हाईकोर्ट सबूत नहीं मानती, कोई ठोस सबूत है तो ले आओ। हम लोग वापस गए और मनन चिंतन करने के बाद चुनाव आयोग को लेटर लिखा और लेटर में लिखा कि इकोनॉमिक टाइम्स ने 8 लाख मशीन कबाड़ में बेचने का फैसला चुनाव आयोग ने किया, ऐसी खबर छपी है, क्या ये खबर सही है? तो चुनाव आयोग ने 1 महीने के बाद हमें लिख कर दिया खबर सही है। जब खबर सही लिख कर दिया तब हमको लगा कि मामला तो बहुत गंभीर है। जिन मशीनों के ऊपर 1 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ वो मशीनें 1 महीने के अंदर कबाड़ कैसे हो गए? कबाड़ का मतलब समझते हैं, मैं थोड़ा समझाता हूं आपको, बात समझना जरूरी है। जो ईवीएम मशीन है उसमें एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर में डाटा होता है, हार्डवेयर में लोहा होता है। जब दोनों को मिलाकर कबाड़ बनाया जाता है तो डाटा खत्म हो जाता है और केवल लोहा हो जाता है। इसका मतलब यह है कबाड़ बनाने का आदेश दिया, इसका मतलब चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन के अंदर जो डाटा था उस डाटा को खत्म करने के लिए कबाड़ में भेजने का फैसला किया। इसका मतलब है इंडियन पीनल कोड के अनुसार चुनाव आयोग सबूत मिटाने का काम कर रहा है। चुनाव आयोग सबूत मिटाने का काम क्यों कर रहा है? तो अपराधी करते हैं, ये तो अपराधियों का काम है, चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया? तो हमने चुनाव आयोग को लेटर लिखा और पूछा कि ये जो मशीन को कबाड़ में बेचने का आपने फैसला किया, ये फैसला आप तो आईएएस अधिकारी है, नॉन टेक्निकल ऑफिसर है, आपके पास टेक्निकल अथॉरिटी नहीं है, तो आपके पास तो ईवीएम मशीन को कबाड़ घोषित करने के लिए आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, तो क्या आपने कॉम्पिटेंट लोग टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोगों की कोई कमेटी बनाई? अगर बनाई तो कितने लोगों की बनाई? उनका नाम, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर, यदि लैंडलाइन नंबर है तो जरूर हमें दिया जाए। फिर दूसरा हमने लेटर लिखा चुनाव आयोग को और पूछा, वो लेटर ये था कि आजकल आप 2,000-4,000 रुपए का मोबाइल खरीदते हो तो कंपनी आपको वारंटी गारंटी कार्ड लिखकर देती है। जब चुनाव आयोग ने कई कई हजार करोड़ रुपए की ईवीएम मशीन खरीदी, स्वाभाविक है कंपनी ने उनको वारंटी गारंटी कार्ड दिया होगा, देना ही होता है। तो हमने उनको लिखा कि ओरिजिनल गारंटी कार्ड अपने पास रखो, डुप्लीकेट जो गारंटी कार्ड है अटेस्टेड करके गेजेटेड ऑफिसर के साइन से हमें अटेस्टेड कॉपी जरूर दिया जाए, ताकि हम उस गारंटी में क्या लिखा है कि ये मशीन 2014 तक ही चलने वाली थी या 15 तक चलने वाली थी या 16 तक चलने वाली थी या 17 तक चलने वाली थी। यदि 17 तक चलने वाली थी तो 14 को खत्म कैसे होगी? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से बहुत सारी बातें पता की जा सकती है। इसलिए साथियों जब ये लेटर हमने दो लेटर लिखा तो चुनाव आयोग के कान खड़े हो गए। आपने वाइल्ड डिस्कवरी चैनल देखते होंगे तो जब हिरन शेर को देखती है तो उसके जो कान नीचे रहते हैं ऐसे खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा हिरन के कान खड़े हो, क्यों? क्योंकि जब जान को खतरा उसको देखता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। तो चुनाव आयोग के कान खड़े हो गए। कान खड़े क्यों हो गए? कि कोई आदमी हमारी निगरानी कर रहा है, कोई आदमी हमारी गलतियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने हमें जानकारी देने से इनकार कर दिया। जानकारी देने से इनकार कर दिया उत्तर महाराष्ट्र में, बिहार में और हरियाणा में चुनाव होने वाले थे, तो हमने 3 राज्यों में जितने हमारे पास सबूत थे उसके आधार पर हमने 3 हाईकोर्टों में एक साथ केस दायर कर दिया।
महाराष्ट्र के हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2018 में मशीन लगाई जाएगी, ये बात उन्होंने फैसला दिया। उसके आधार पर मैंने चुनाव आयोग को लेटर लिखा कि जब 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया पेपर ट्रेन मशीन लगाने का, तो आपने अभी तक चुनाव आयोग ने क्यों नहीं लगाया? बॉम्बे हाईकोर्ट भी कहता है क्यों नहीं लगाया आपने? तो चुनाव आयोग ने मुझे जवाब दिया और कहा, नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दे रहा, पेपर ट्रेन मशीन खरीदने के लिए पैसा चाहिए, चुनाव आयोग के पास पैसा नहीं है, पैसा तो नरेंद्र मोदी के पास है, नरेंद्र मोदी मशीन खरीदने के लिए, पेपर ट्रेल मशीन, मोटाला पकड़ने वाली मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहा है। तो हमें बात समझ में आई कि चुनाव आयोग हमें बताना चाहता है कि हम दोषी नहीं है, नरेंद्र मोदी दोषी है। तो हमने चुनाव आयोग को दोबारा चिट्ठी लिखी और कहा कि ठीक, तुम कहते हो नरेंद्र मोदी दोषी है, मैं कहता हूं अभी भी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है, उसके पास पावर है। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यदि नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दे रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार प्रधानमंत्री आखिरी अथॉरिटी नहीं है, राष्ट्रपति आखिरी अथॉरिटी है। तो राष्ट्रपति के पास आपने चिट्ठी लिखा कि नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर देने के बावजूद भी पैसा नहीं दे रहा है, आपने चिट्ठी लिखा चुनाव आयोग ने? नहीं लिखा। आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखना चाहिए था कि जिनीश्वरी ने पेपर ट्रेल मशीन, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश दिया था, वो मशीन खरीदने के लिए नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दे रहा है, ऐसी चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखाना चाहिए था। लिखा? नहीं लिखा। आप सोचते हो कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है, तो चुनाव आयोग को चाहिए था सर्वदलीय मीटिंग बुलाए, इससे पहले भी उन्होंने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी, तो इस मुद्दे पर क्यों नहीं बुलाई? ऐसा भी आपने नहीं किया। चौथी बात कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो कम से कम भारत के मतदाताओं को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जागृत करते कि मतदाताओं ने देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना, तो मतदाताओं को जागृत किया जाना चाहिए था कि आपने जिस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री चुना, वो व्यक्ति फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए पेपर ट्रेन मशीन खरीदने के लिए पैसा देने के लिए राजी नहीं है, ऐसा भी आपने नहीं किया। ये चिट्ठी मैंने चुनाव आयोग को लिखी और राह देखा कि कोई जवाब देते, उन्होंने जवाब नहीं दिया तो मैंने चुनाव आयोग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया। भारत के चुनावी इतिहास में आज तक किसी आदमी ने चुनाव आयोग के विरोध में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट, चुनाव न्यायपालिका की अवमानना करने का काम चुनाव आयोग ने किया, ऐसा कोई केस चुनाव आयोग के विरोध में आज तक किसी ने नहीं किया। जब मैंने पहली बार किया तो दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, जब हमारा कार्यकर्ता उसको बताने के लिए गया, उसको भी हैरानी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके केस को एडमिट कैसे किया, भाई हमें तो हैरानी है। तो हमने इतने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इकट्ठा किए थे, इतने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इकट्ठा किए थे, कोई आदमी उसको इनकार नहीं कर सकता। जब हमने ये केस दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए तो जो रजिस्ट्रार का सिस्टम है वो ढीला डिले करता रहा। जब सारी गलतियां निकाल दी हमने केस के अंदर की, इसके बावजूद भी जब हियरिंग के लिए केस नहीं लगाई, तो मैंने हैदराबाद से एक आदमी सुप्रीम कोर्ट में भेजा। सुप्रीम कोर्ट में भेजने के बाद रजिस्ट्रार ने हमारे वकील को कहा कि तुम्हारे वकील ने केस को तो विड्रॉ कर दिया। मैंने कहा मेरे वकील ने मेरे को पूछे बगैर केस विड्रॉ कर दिया? मेरे वकील ने वामन मेश्राम से पंगा ले लिया, तो ब्राह्मण भी वामन मेश्राम से पंगा नहीं लेता है तो कैसे ले लिया? अच्छा अभी देखता हूं, चुनाव आयोग को बाद में देखता हूं, पहले वकील को देखता हूं। तो मैंने हमारे जो जूनियर लॉयर था उस जूनियर लॉयर को प्लान बनाकर ऐसे में भेजा, पूछा ये वकील साहब मुझे सलाह दो, मेरे वकील ने केस मेरे विड्रॉ कर दिया, मेरे को पूछे बगैर विड्रॉ कर दिया,
ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, विश्वासघात किया, धोखाधड़ी किया वकील ने मेरे साथ में, ये इंडियन पीनल कोड के अनुसार क्रिमिनल ऑफेंस है, इसलिए मैं उसके खिलाफ इंडियन पीनल कोड के तहत केस दायर करना चाहता हूं, तो मुझे सलाह दो। मैं खुद ही जानता हूं, जानबूझकर वकील को पूछा, इसलिए पूछा कि एसएमएस भेजते ही वो एसएमएस सीनियर लॉयर के पास भेज देगा, ऐसे ही हुआ। जैसे ही सीनियर लॉयर जिसने विड्रॉ किया था उसके पास मेरा एसएमएस गया, तो उसने वकील जूनियर को टेलीफोन किया, पूछा कि वामन मेश्राम कैसा आदमी, कहा कि बहुत खतरनाक आदमी। अच्छा, ये कैसे? ये 10 बजे पहुंच रहा है एयरपोर्ट से और सीधा बार काउंसिल जाने वाला है। उसने मुझे टेलीफोन पर बताया कि बार काउंसिल क्यों जा रहा है, कि आपके खिलाफ बार काउंसिल ने कंप्लेंट करने वाला है कि अब ये वकील अपनी जिंदगी में वकालत कैसे करता है देखा, उसकी सनद रद्द करने के लिए वो अभी बार काउंसिल में कंप्लेंट करने वाला है। जब उसने ये बात सुनी तो वकील ने जूनियर लॉयर को कहा उसको रोको, जल्दी रोको, कहा कि ऐसे थोड़ी रुकता हुआ है, कुछ बोलना पड़ेगा। ये क्या बोलूं कि उसको बोलो कि मैं केस दोबारा रजिस्टर करता हूं। जूनियर लॉयर ने मुझे कहा कि वो दोबारा रजिस्टर करने की बात कर रहा है, तो क्या करे, तो करने पड़ेगा, जोखिम ले। उसने दोबारा केस रजिस्टर किया। जब उसने दोबारा केस रजिस्टर किया और केस हियरिंग के लिए आई सुप्रीम कोर्ट के साइट पर, हमने देखा, देखते ही बात समझ में आई कि वकील ने केस विड्रॉ नहीं किया था। केस प्रधानमंत्री के विरोध में, पीएमओ के विरोध में था, लॉ मिनिस्टर के विरोध में था, चुनाव आयोग के विरोध में था, इतने सारे लोगों के विरोध में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ था, तो उनको ये लगा कि तो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसको तो इनकार नहीं कर सकते, और रावण में इस्लाम को नत्थु खैरे तो है ये, किसी को ऐसे कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर दबाव डाला, प्रेशर डाला कि ताकि वो केस ही विड्रॉ किया जाए, ताकि जज को सुनवाई करने से वंचित कर दिया जाए। जब उन्होंने ऐसा किया तब मुझे ये बात समझ में आई कि वकील ने विड्रॉ नहीं किया था, इन लोगों ने अपना बचाव करने के लिए उनसे विड्रॉ करवाया। जब केस हियरिंग के लिए आया और जो तारीख उन्होंने दी, उस तारीख के 2 दिन पहले रजिस्ट्रार ने दोबारा 2 महीने आगे बढ़ा दिया। तो मैंने वकील को पूछा कोई रास्ता है, कहा है क्या है, चीफ जस्टिस के कोर्ट में मेंशन करना होगा और अर्ली हियरिंग के लिए, जल्दी हियरिंग के लिए केस लाई जाए, ऐसे कहना होगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास आदमी भेजा, चीफ जस्टिस ने ऑर्डर कर दिया कि जल्दी से जल्दी केस हियरिंग के लिए लाया जाए। चीफ जस्टिस ने ऑर्डर करने के बाद भी रजिस्ट्रार ने मेरी केस नहीं लगाई। मैं दोबारा चीफ जस्टिस के कोर्ट में गया, फिर भी नहीं लगाया। तीसरी बार चीफ जस्टिस के कोर्ट गया, तीसरी बार ऑर्डर इश्यू हुआ। तीसरी बार ऑर्डर इश्यू होने के बाद 4 जनवरी 2017 को मेरी केस हियरिंग में आई। जब मेरी केस हियरिंग को आई तो जो चुनाव आयोग था उसने मेरे खिलाफ 4 वकील खड़े किए थे, सीनियर 4 वकील खड़े किए थे, जो सीनियर मोस्ट लॉयर था मिस्टर देसाई, गुजराती ब्राह्मण, वो खड़ा हुआ। तो हम सोच रहे थे कोई आर्गुमेंट करेगा हमारे खिलाफ, उसके बाद कोई आर्गुमेंट करने के लिए कोई मटेरियल ही नहीं था। उसने क्या किया, उसने जज को कहा, जज साहब ये जो वामन मेश्राम है ये ऐसी ऐसी चिट्ठी लिखता है चुनाव आयोग को, ऐसी ऐसी चिट्ठी लिखता है। जज ने कहा कैसी कैसी लिखता है, तो वकील ने जज को कहा ये चिट्ठी पढ़ के सुना, हा पढ़ा। तो जो 4 पॉइंट वाली चिट्ठी मैंने लिखी थी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ राष्ट्रपति को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी, सर्वदलीय मीटिंग क्यों नहीं बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लिया, वो चिट्ठी उसने जज को पढ़ के सुनाई। पढ़ के सुनाने के बाद जज को लगा अरे इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो बात है, कोई भी भारत का नागरिक राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिख सकता है और चुनाव आयोग ने इसके पहले ही सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, ये कहना भी गलत नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसने इसके पहले लगाई, ये भी गलत नहीं है। इसलिए जज ने वकील को कहा, वकील को कहा चिट्ठी बज रखो हाँ बज रखो और बताओ वामन मेश्राम कौन सी केस लेकर आए हमारे कोर्ट में, कौन सी केस लेकर आए। हम लोगों ने जुडिशियरी ने 8 अक्टूबर 2013 को
ईवीएम मशीन के विरोध में पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया था, तो हमने दिया था ना, कोर्ट ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। आपने 2013 में पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई, 2014 में नहीं लगाई, 2015 में नहीं लगाई, 2016 में नहीं लगाई, 2017 निकल गई, अभी भी आपने मशीन नहीं लगाई। बताओ कब तक लगा रहे हो? एकदम पिन पॉइंटेड जज ने वकील को पूछा। जब जज ने वकील को पिन पॉइंटेड पूछा तो वकील जूनियर लॉयर की तरफ देखने लगा, जूनियर लॉयर तीसरे जूनियर की तरफ देखने लगा, तीसरा जूनियर चौथे जूनियर की तरफ देखने लगा, चारों वकीलों के तरफ ऊपर बैठा हुआ जज देखने लगा, और जज को लगा वकीलों के पास हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं है, तो जज ने आवाज चढ़ाते हुए पूछा कि कब तक लागू कर रहे हो पेपर ट्रेल मशीन। जब आवाज चढ़ाते हुए जज ने पूछा तो वकील को लगा कि अब तो आवाज चढ़ा रहा है, जब आप बोलना पड़ेगा भाई कुछ ना कुछ, तो इसलिए वकील देसाई ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमें इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई निर्देश दिया नहीं, इसलिए इस सवाल का जवाब देने के लिए 2 महीने का समय और बढ़ा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2017 को तारीख लगा दी, 4 मार्च को दोबारा चुनाव आयोग के लोग नहीं आए क्योंकि उनके पास मेरे सवालों का कोई जवाब ही नहीं है। 11 मार्च को उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव आया, मायावती टीवी पर आई और कहने लगी कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर ईवीएम का घोटाला किया, ये षड्यंत्र उन्होंने किया, ये आरोप मायावती ने टीवी के ऊपर किया। तो चुनाव और मायावती ने एक और बात कही कि पुराने हमारे जो वांछित के लोग हैं उन्होंने हमें 2 महीने पहले लेटर लिखा था, खबरदार किया था कि बहन जी आपके साथ चुनाव लगाया जाने वाला है, आप खबरदार हो जाओ। तो मैंने ही मायावती को चिट्ठी लिखा था कि बहन जी खबरदार हो जाओ। तो मायावती 2 महीने तक सोती रही, तो हमने सोचा कि मायावती 2 महीने तक सोती रही, रामायण में कुंभकर्ण 6-6 महीने सोता था, मायावती 2-2 महीने सोती रही, इसका मतलब मायावती कुंभकर्ण की छोटी बहन रही होगी, तो इसलिए वो 6 महीने के बजाय 2 महीने सोती रही है। तो उसके बाद में चुनाव आयोग ने मायावती के आरोप का जवाब दिया और कहा कि मायावती के आरोप बेबुनियाद है। तो मैंने सोशल मीडिया में अपना वीडियो अपलोड किया और कहा हो सकता है मायावती के आरोप बेबुनियाद हो, मगर मैंने सुप्रीम कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर, सारे दस्तावेजी सबूतों के आधार पर केस दायर किया, चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, मेरे आरोपों का चुनाव आयोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। जब चुनाव आयोग को मैंने वीडियो में ये सवाल पूछा तो चुनाव आयोग के विरोध में जो मैंने वीडियो अपलोड किया 13 लाख लोगों ने देखा, तो इतना दबाव चुनाव आयोग पर आया कि चुनाव आयोग को यह ऐलान करना पड़ा कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग आकर चुनाव आयोग ने मशीन को हैक करके दिखा सकते हैं, ये नौटंकी करने का कार्यक्रम उसने शुरू किया।